Rourkela and I am a makeup artist, mehndi artist and also a YouTuber and my channel name is Absolute Beauty Epic. और इस कंपटीशन के बारे में मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताया था. सो आज मैं जो लुक क्रिएट करने वाली हूँ दिस इज अ डिफरेंट लुक. मैं राधा कृष्णा मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ. सो गाइस स्टे ट्यून्ड विद मी एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो. मेकअप करने से पहले स्किन को प्रेप करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं पहले यूज़ कर रही हूँ टोनर और मैं यहाँ पर गुडनेस एल्ब्स का रोज टोनर यूज़ कर रही हूँ. उसके बाद स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए न्यूट्री ग्लो का मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ. एंड नेक्स्ट आई एम गोना यूज दिस प्राइमर. ब्लू हेवन प्राइमर है ये, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर. इसके बाद अपने आईलिड को कंसील करने के लिए मैं यहाँ पर ग्लैम 21 का कंसीलर पैलेट यूज़ कर रही हूँ. कंसील करने के बाद आईलिड को सेट करना है. उसके बाद कलर बोर्ड पैलेट से मैंने ये ऑरेंज शेड लिया है ट्रांजिशन शेड के लिए. देन उसके बाद मैंने हाफ कट किया है कंसीलर से. देन उस पर मैंने अप्लाई किया है ये येलो शेड, ये ग्लिटर शेड है. उसके बाद आउटर कॉर्नर तरफ मैंने इंटेंस लुक देने के लिए ब्लैक कलर स्मज किया है. और अपने स्पॉट्स को करेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर ग्लैम 21 का ऑरेंज करेक्टर यूज़ किया है. अप्लाई किया अपने फेस पर, ब्लेंड किया अच्छे से. उसके बाद मैं यहाँ पर फाउंडेशन यूज़ करी मेबेलिन फिट मी 128 शेड है मेरा. इसे भी अप्लाई करने के बाद अच्छे से मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ. सारे क्रीम प्रोडक्ट लगाने के बाद उसे अच्छे से ब्लेंड किया. देन मैंने पाउडर से इसे सेट किया. तो मैं जो पाउडर यूज़ कर रही हूँ लैक्मे रोज़ पाउडर है. देन स्टे क्विकी का काजल मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ और उसे स्मज कर रही हूँ. स्मज करने के बाद मैं उसके नीचे लोअर लैश लाइन पर ऑरेंज शेड काजल के साथ ही ब्लेंड कर रही हूँ. देन आई एम गोना अप्लाई दिस मस्कारा. अपने लैशेज को ब्यूटीफुल लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर बटन वायल का मस्कारा यूज़ किया है. नेक्स्ट टाइम मैं यूजिंग दिस जेल आईलाइनर, दिस इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी. और मैंने यहाँ पर विंग लाइन क्रिएट किया है. उसके बाद मैं यहाँ पर ब्लशर पैलेट यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का. मैं इसी से कॉन्ट्रोल कर रही हूँ. ब्लश भी मैं इसी से लगाऊंगी एंड हाइलाइटिंग भी मैं इसके साथ ही करूँगी. एंड नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस ब्राउ किट फ्रॉम फेसेस कैनेडा. मैंने अपने ब्राउ को फिल करने के लिए फेसेस कैनेडा का ये ब्राउ किट यूज़ किया है. इसके बाद तो कृष्णा लुक के लिए मैंने ये फाउंडेशन खुद से बनाया है. फाउंडेशन में मैंने थोड़ा सा ब्लू कलर ऐड कर लिया था. उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ये कलर आया था, तो मैंने इसे अप्लाई किया अपने फेस में. इसके बाद जैसे हम पाउडर से अपना फाउंडेशन को सेट करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से मैंने यहाँ पर ब्लू कलर का आई शेडो जो पाउडर करके रखा था उससे मैं ये सेट कर रही हूँ. सेट करने के बाद मैंने यहाँ पर अपने आई मेकअप के लिए यूज़ किया है ब्लैक कलर ट्रांजिशन शेड के लिए. उसके बाद मैंने कट क्रीज किया एंड ग्रीन कलर में अभी अप्लाई कर रही हूँ. और ये मैंने वही कलर वुड पैलेट यूज़ किया है आई शेडो के लिए. और काजल मैंने लगाया है, उसके नीचे मैंने ब्राउन कलर स्मज कर दिया थोड़ा सा, फिर मैंने ब्लू कलर वहाँ पर स्मज किया. तो उसके बाद मैं यहाँ पर अपना ब्राउ कर रही हूँ. देन फिर से मैं अपना पैलेट स्विस ब्यूटी का यूज़ कर रही हूँ. मैंने आपको बताया था इससे पहले ब्लशर के लिए कॉन्टोर वगैरह के लिए मैंने इसको यूज़ किया था, तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ सेम पैलेट इसके लिए भी. और लैशेज को मैं अपना कर्ल कर रही हूँ. उसके बाद मैंने यहाँ पर मस्कारा यूज़ किया है. देन मैं यहाँ पर ये कुमकुम से अपना पूरा मेकअप कंप्लीट करूँगी. इसके बाद आप देखना मेरा ये फाइनल लुक. और आपके पास भी अगर कोई ऐसा पैलेट है जो आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो, आप इस तरीके से उसे भी यूज़ कर सकते हो. सो दिस लिपस्टिक इज़ फ्रॉम लैक्मे एंड नेक्स्ट आई एम गोना अप्लाई माय लैशेस. सो फ्रेंड्स दैट्स इट एंड दिस इज़ माय फाइनल लुक.